नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर रुणेचा का नाथ रामदेव बाबा की तस्वीर। ये भव्य मंदिर उड़ीसा की धरती कटक और भुवनेश्वर के बीच में बहुत शानदार रूप से बना है। व्यूवर्स, आज हम ये जानते हैं कि रुणेचा का नाथ बाबा रामदेव के मंदिर का निर्माण उड़ीसा की धरती पर कैसे हुआ। कोई भी मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठित होता है उसके पीछे किसी न किसी भक्त की परिकल्पना होती है, उसके पीछे भक्तों का, दानदाताओं का समूह अपने आप जुड़ता है और उसके पीछे कोई ऐसा व्यक्तित्व आगे आता है जो उस बात को लेकर के आगे बढ़ता है। आज मैं उसी व्यक्तित्व से आपको मिला रहा हूँ। उड़ीसा की धरती में एक ऐसा पुत्र जिसे मैं कहता हूँ कि माँ लक्ष्मी का पुत्र भी है, समृद्धि का पुत्र भी है, औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा नाम है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में जिसका बड़ा नाम है उसका सामाजिक सेवा में भी उतना ही बड़ा नाम है। वो नाम आप हो सकता है मेरे एक वीडियो से वाकिफ होंगे और मैं उनकी तस्वीर जब आपके सामने उनको दिखाऊंगा, हो सकता है आप उनको पहचान जाएं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कलिंगा एलोइंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनको उद्योगपति के रूप में हम जानते हैं, लेकिन सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी वो एक बड़ा नाम है। आइए मैं आपसे मिलाता हूँ। हमारे साथ है श्रीमान लक्ष्मण जी महिपाल। बहुत बहुत स्वागत महिपाल जी बाबा रामदेव के इस मंदिर में। और चूंकि मैं आज इस मंदिर में मुझे दर्शन करने का नसीब हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ महिपाल जी कि इस मंदिर को बनाने की परिकल्पना किस रूप में शुरू हुई, यह मंदिर किस रूप में बाबा के दरबार को आप लोगों ने बनाया, किस रूप में यह मंदिर की परिकल्पना बनी, कैसे ये यात्रा आपकी आगे बढ़ी। मैं लक्ष्मण महिपाल जी, प्रेसिडेंट बाबा रामदेव गौड़ा चावला सेवा समिति ट्रस्ट। 2009 की बात है जब हम लोग एक दिन राम मंदिर में एक प्रोग्राम देख रहे थे जी। उस टाइम हमारे साथ में भीखंद जी, दुधौरिया जी भी थे। वहाँ पर भी बाबा रामदेव जी का ही प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा, तो भीखंद जी ने कहा तो कोई बोली क्यों नहीं अपने बाबा रामदेव जी का मंदिर अपने उड़ीसा में नहीं है जी, क्यों नहीं हम एक मंदिर का निर्माण उड़ीसा में करें जी, छोटा रूप में करें। बाकी एक बाबा रामदेव जी का एक मंदिर होना चाहिए। उनके दिमाग में विचार आया, हम लोगों ने भी सोचा ठीक है बाबा का मंदिर क्यों नहीं होगा। तो हम लोग उसी चेष्टा में लग गए और अपने चेष्टा किया। तो एक संतोष जी लाट के एक जमीन था, तो उनसे कंटेक्ट हुआ तो मालूम पड़ा कि उन्होंने जब हमने कही बाबा रामदेव जी का मंदिर हम बनाना चाहते हैं तो उन्होंने बड़े शहर अपनी स्वीकृति हम लोगों को दे दी जी। एक बहुत ही कम मूल्य पे उन्होंने हमको जमीन दे दी और बाबा का मंदिर बनाने की चेष्टा प्रक्रिया चालू हो गई। जमीन मिल गई तो फिर आगे की प्रक्रिया चालू हो गई जी। आप बोल रहे थे कि मैं हम छोटे रूप में सोच रहे थे, लेकिन ये तो बहुत बड़े रूप में आपने बना दिया। देखिए, हम लोगों ने कल्पना तो इतनी बड़ी नहीं की थी, फिर भी बाबा के भगत दानदाता लोग जुड़ते गए जैसे जैसे बाबा का मंदिर बनता गया। और आज इस उन दानदाताओं का और बाबा का आशीर्वाद का प्रतिफल है कि आज ये मंदिर इस भव्य रूप में आज आप लोगों के सामने है। बिल्कुल। इसमें विक्रमचंद जी का उनकी भावना सहयोग, स्वर्गीय श्री मदनलाल जी अग्रवाल का भावना सहयोग, उनका आर्थिक सहयोग को लेकर के हम लोग सब आगे बढ़े। हम लोग इस चीज में इनकी अलग अलग कंट्रैक्टरों से हम लोग कॉन्टेक्ट किए, इनकी सब चीज फाइनल हो गई और दानदाता आगे आते गए और उनके सहयोग से आज ये बाबा का इतना बड़ा मंदिर जिसके अंदर की पूरा हमने कंप्लीट मार्बल का मंदिर बनाया है। कितना टाइम लगा इसमें? लगा हम लोग को 6 साल। 6 साल 2009 में हमने चालू किया, 2015 में बाबा का प्राण प्रतिष्ठा हुई और भी वो भी सौभाग्य मेरे को मिला, मेरे परिवार को मिला कि हमारे हाथ से इस मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा हुई। सौभाग्य हमें को मिला। 6 साल इस मंदिर के निर्माण में लगे जी, 6 साल इस मंदिर के। अब उड़ीसा के लोगों को ये क्या
सब प्राय प्राय लोगों को पता चल गया है कि रुनेचा का नाथ अब इस टाइम में काफी लोगों को मालूम पड़ गया है, क्यों पहले पहले लोगों को कुछ दूसरी कंसेप्शन था, शायद रामदेव योगा वाले रामदेव बाबा है। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन अभी धीरे धीरे सभी को आसपास और दूर दूर दराज में सबको मालूम हो गए हैं कि बाबा रुनेचा वाले बाबा रामदेव है, रामदेव वाले आशीर्वाद से आज ये जगह कलीपुत्र हुई और उन्हीं की सारी देन, उन्हीं का सहयोग, उन्हीं के आशीर्वाद से सारी चीजें संभावित तौर काफी अच्छे आ भी रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा आपके हाथ से हुई? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा का ये सौभाग्य आपको मिला। और 2009 से आप लोग लगे हुए थे, 2015 में जनवरी 2015 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 2015 में हुई। इस मंदिर में आपकी 25 जनवरी 25 से 29 जनवरी 25 से 29 जनवरी जनवरी 15 में तो ना, जनवरी 15 हाँ वहाँ से प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब आप बोल रहे हैं उड़ीसा के लोगों को बहुत कुछ अब मालूम पड़ गया है, और भी हम लोग उड़िया भाषा में अभी इसको और आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी हम लोग बड़ी चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे भी बाहर से जितने बसें आती हैं पूरी जाने के लिए तो काफी हमारे मंदिर में रुकती है, लोग आते हैं, जो सहयोग दे सकते हैं हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। आप लोग चेष्टा कर रहे हैं, आगे के लिए आपकी कोई परिकल्पना इस मंदिर को लेकर के? हमारे पास में पीछे में जमीन है जी, उसके अंदर में हम लोग बड़ी एक नीचे में दोनों तरफ में करीब 20 रूम और 2 हॉल बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए कार्रवाई चालू भी हो गई है। अच्छा, कुछ लोगों की स्वीकृति भी मिल गई है बनाने के लिए। अच्छा, एक हॉल के लिए भी अभी फाइनल स्वीकृति नहीं मिली है। बाकी उससे जिससे क्या गाँव वालों आस पास के गाँव वालों को मंदिर में कोई सहयोग मिले, उनके लिए कोई शादी ब्याह फंक्शन हो तो हम उनके लिए सहयोग काम आ सके, उनके लिए काम आ सके, गांव के लोगों के लिए या आसपास के लोगों के लिए काम आ सके, और उससे फिर वो लोग भी मंदिर से जुड़ेंगे, आके जुड़ चुके हैं, आते हैं, सभी आते हैं, सभी आते हैं, ये सबका सहयोग है, सबका सहयोग है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हमको आज तक नहीं है। बिल्कुल, बाबा रामदेव के बारे में तो कहा भी जाता है कि हिंदू मुस्लिम सब बाबा के दरबार में, रुनेचा में सब बाबा के दरबार में ये जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भावना को आप लोगों ने साकार रूप में परिवर्तित कर दिया, बाबा की ये बहुत बड़ी मेहरबानी हुई है। और यहाँ पर दसवीं का महोत्सव आप करते हैं, जैसे रुनेचा बाबा की दसवीं दिन हम लोग बड़े रूप में यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, सभी बड़े जाते हैं, काफी अच्छा प्रोग्राम होता है। अच्छा अच्छा, दसवीं के दिन उस दिन लोग और ज्यादा आते होंगे, काफी लोग यहाँ काफी लोग हैं। मैंने यहाँ पंडित जी से भी बात की थी, रुनेचा की जो पद्धति है उसी को यहाँ फॉलो किया जाता है, रुनेचा की पद्धति को फॉलो करते हैं, मंदिर की प्रतिष्ठा टाइम में भी वहाँ से ही जो हम लोग लेके आए उन्होंने की प्रतिष्ठा, अखंड ज्योत जो थी रुनेचा से लेके आए, रुनेचा से अखंड ज्योत आप लेकर के आए थे, वही अखंड ज्योत आज तक रुनेचा से अखंड ज्योत लेकर के आए थे, वो अखंड ज्योति बाबा की यहाँ मंदिर में प्रज्वलित हो रही है। देखिए, श्रद्धा भक्ति की बात भी हो गई और सामाजिक सेवा की भी बात हो गई, गांव के लोगों के लिए मंदिर का ट्रस्ट कुछ बनाने की सोच रहा है ताकि उनको शादी विवाह में एक सुविधा मिले, मंदिर के प्रांगण का वो उपयोग कर सके। और लक्ष्मण जी चूंकि खुद साक्षात्कार दे रहे हैं, ये खुद अपनी बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में दानदाताओं के रूप में एक बहुत बड़ा आगे आकर के इनका भी सहयोग, इन्होंने मंदिर में आगे बढ़ करके मंदिर बनाने में तो भूमिका निभाई है, लेकिन वो भूमिका भी इन्होंने पूरी निभाई है और दानदाताओं से मिलकर के जो कलेक्शन लेकर के मंदिर को इस रूप में लाने का श्रेय उनको काफ़ी हद तक जाता है। वो ये श्रेय नहीं ले रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन हमको मालूम है, इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे व्यूवर्स को हम ये जानकारी दें। भीकम चंद जी के मन में एक भावना आती है मंदिर की, उसको साकार करने के लिए लक्ष्मण जी महिपाल आगे बढ़ते हैं और उनके साथ फिर पूरी टीम जुड़ती है, दानदाता जुड़ते हैं, समाज के लोग जुड़ते हैं। भीकम चंद जी का इसका शुरू से लेके आखिर तक आज तक भी बहुत बड़ा सहयोग उन्हीं का है, बहुत बड़ा सहयोग, उन्हीं की बड़ी मेहनत और उन्हीं के बड़ी चेष्टा से आज इस मंदिर का
भव्य मंदिर का इतना बड़ा निर्माण हुआ। मतलब उनके मन में जो भाव आया ये भी तो बहुत बड़ी बात है। ये उनके जो उनके मन की भावना है और उन्हीं का सहयोग। अब आज लाली भाई का भी जो उन्होंने अलग से अपने नाम से लाली भाई जी का मंदिर बनाया है यहीं पे लाली भाई जी का मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा, लाली भाई का मंदिर उन्होंने बनाया है, पर उनका सहयोग हमेशा रहा है, हर रूप में उनका सहयोग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। मदन बाबू का शुरू से लेकर आज तक उनके परिवार का मंदिर के साथ उनका सहयोग जुड़ा हुआ है। इस मंदिर से जुड़े हुए हर दानदाता के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं, छोटे बड़े जितने भी जिनकी अपनी श्रद्धा आस्था यहाँ जुड़ी है मंदिर के निर्माण में। बाबा रामदेव, पवन गुप्ता जी हैं, नंद किशोर जी अग्रवाल हैं, इस तरह काफी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग, समाज जुड़ता है तब कोई बड़ा काम होता है। और लक्ष्मण जी महिपाल जैसे लोग इस बात को जब लेकर के आगे बढ़ते हैं तब बहुत वो काम साकार रूप से होता है। तो व्यूवर्स, अच्छा यहाँ पर आप म्यूजियम भी है बाबा रामदेव से, उनके पर्चे जो बाबा के चमत्कार हैं, हाँ बाबा के पर्चे हैं, उनके म्यूजियम भी हमने नीचे बनाए। चलिए व्यूवर्स, हम आपको म्यूजियम भी, जोत बाबा की अखंड जोत, कहाँ से ये देखिए, ये रूणेता से आई हुई अखंड जोत है व्यूवर्स। ये देखिए रूणेचा धाम से बाबा की ये अखंड जोत, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से लेकर के अब ये हमेशा के लिए प्रज्वलित होती रहेगी। तो रूणेचा के दरबार की ये अखंड जोत, और ये रूणेचा के बाबा रामदेव, आप देखिए और ये अखंड जोत। और अब हम आपको लिए चलेंगे अगली क्लिप में बाबा के पर्चे का वो संग्रहालय, यहां पर जो रुणेता से हुआ था पर्चे उनका संग्रहालय यहां पर। अब चलते हैं अपन वहां पर। महिपाल जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत इसके साथ में हमारे इस मंदिर में हमारी 31 ट्रस्टी है। अच्छा, 100 विशिष्ट मेंबर है और 100 साधारण मेंबर, इतने लोग जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, सबका सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। आज जैसे दाऊदयाल जी है, गणेश जी, गणेश प्रसाद चंदोई है, सभी ट्रस्टियों का, राजू बाबू है, सबका जो सहयोग है उनको इस मंदिर के लिए रेगुलर मिल रहा है। ट्रस्टी जो है उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग देके बाबा का मंदिर बनाया। बहुत बहुत आभार आपका महिपाल जी, आप जैसे व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, और मंदिर के दरबार के हर व्यक्ति के प्रति आभार। व्यूवर्स, अब चलते हैं संग्रहालय म्यूजियम की तरफ। ये हम बाबा रामदेव मंदिर उड़ीसा और कटक के बीच में उसके म्यूजियम में हम इस वक्त हैं, जहां पर बाबा के पर्चे का ये म्यूजियम है, वो उदाहरण दिए जा रहे हैं। ये इसमें ये बाबा का पर्चा का ही है क्या ये? अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद अच्छा ये बाबा का विष्णु का रूप है। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान का है ने ये जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी ये विष्णु भगवान का रूप। अच्छा अच्छा, अजमल जी, अजमल जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि उसका मैंने दूसरा नाम नहीं दिया। हाँ अच्छा अच्छा, तब दो इस तरह से अच्छा, तब बाबा रामदेव धरती पर आए। अच्छा ये दो लड़के रामदेव जी और धर्मदेव जी और रामदेव जी। अच्छा तो रामदेव जी के भाई हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा,
जैसे कृष्ण बलराम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रामदेव जी तो अवतार लिए थे और ये जो है ना ये कोख से जन्मे थे अपनी माँ की कोख से। वाह 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 वाह, वो अवतार लिए थे। उसके बाद ये कन्हैया जो पर्चा है जी, जो पर्चा है, जो पर्चा दिया था ना, हम्म, वो पर्चा है। ये अपनी माँ की गोद में सो रहे थे तो दूध उफन रहा था। अच्छा, तो माँ आने लगी तो ये बोले कि जाओ मत, मैं मतलब अपने ऐसा चमत्कारी से दूध को मतलब जो होती है ना क्या बोलते हो आंच, आंच उसको, हाँ उसको वही रोक दिया था अपने चमत्कार से। वाह वाह वाह, ये भंडारा भंडारा नहीं नहीं, तो बाबा जी ने बोला बच्चा हो तो घोड़ा घोड़ा उड़ाया ऊपर से, कपड़े का घोड़ा उड़ाया था, वो भी उड़ाया तो मतलब उड़ गया। वाह वाह वाह, देखिए बहुत अच्छे रूप से चमत्कारों के वो पर्चों को यहाँ पे दिखाया गया है मंदिर के साथ। ये देखिए यहाँ पर भाई साहब क्या है बात है, ये राक्षस राक्षस, हाँ हाँ हाँ, उसको ये बाबा ने कलयुग में और फिर ये भागने लगे यार। अच्छा अच्छा, फिर बाबा पीछे जाके यहाँ पर ये बन जा रहा, इसमें ये जो राजस्थान में बंजारा जाति होता है तो इसमें नमक भरा होता है। यहाँ मिस्त्री थी, मिस्त्री थी तो बाबा बोला भाई तुम्हारे पास क्या है, तो वो सोचा कि कोई लुटेरा होगा तो मिस्त्री को नमक बता दिया, तो बाबा के प्रताप से हकीकत में हो तो मिस्त्री है ना नमक में बदल गई, नमक में बदल गई। अब आइए यहाँ पर शतरंज, ये क्या बात है बताइए, यहाँ के बारे में कोई जानकारी। ये देखो इधर नौका जो लगा दिया था, बाबा जी खेलता था उसका भाई के साथ, उस समय वो जो वाणिज्य करने के लिए नौका लेके गया था तो तूफान में नौका डूब गया। अच्छा, चौपड़ खेल रहे थे, भक्त कोई नौका में जा रहा था, नौका डूब रहा था, तभी उन्होंने हाथ उठा दिया। ये देखिए, अब ये देखिए बहुत शानदार रूप से म्यूजियम है, बोलना होगा कि बहुत ही परिकल्पना को बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर अच्छा, अच्छा हवन हो रहा है, ये शादी का दृश्य है। ये बाबा की जो थी ना पत्नी, ये जन्म से मतलब क्या होती पैरों से नहीं चल पा रही थी। अच्छा, तो बाबा के प्रताप से इसको पैर में लिया है। वाह, ये है बिल्कुल। अब यहाँ पर ये सखियां हैं, क्या हुआ ये भांजा है उनका, बहन की लड़की तो फिर बाबा उसको जीवन दान दिया था, ये एक चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार। बहन के बेटे मतलब भांजे को, भांजे को सांप ने काट लिया था, ये सांप भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बाबा ने चमत्कार करके ये 500 तीर। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी हम कहते हैं कि पीरों के पीर बाबा रामा साहब को कहा जाता है। और इसमें शायद एक थी कि शायद ख्वाजा साहब के बारे में बात कही जाती है, उनके बर्तन उन्होंने बर्तन मंगवा दिए थे, मक्का से बर्तन मंगवा दिए थे, इसीलिए इस दरबार में हिंदू मुस्लिम सब सजदा करने के लिए आते हैं बाबा के दरबार में। ये देखिए पीरों के पीर तब इनको कहा गया था कि हम पीर हैं लेकिन आप पीरों के पीर रहो। ये देखिए बर्तन मंगवा दिए अरब से, उनके जिसमें वो पीर लोग खाना खाते थे वही बर्तन वहां से मंगवा दिए। वाह, यहाँ पर जय बाबा,
यहाँ पर इसका मेरा बैग है बाबा का समाधि लेने के लिए गाड़ा किया था, लेकिन डाली भाई आ गया, डाली भाई मैं यहाँ पे समाधि ले गया, पहले समाधि लूंगा बाद में आप लेगा, इसीलिए बाबा राम रुंजा चला गया और डाली भाई वो समय उसको समाधि लिया। डाली भाई बाबा की भक्त है, मीरा भाई जैसे डाली भाई बहुत बड़ी भक्त। यहाँ पर यहाँ से व्यापारी जंगल में गया था जी, अच्छा इसको ये गर्दन काट दिया था, जो डाका था गर्दन काट लिया, हाँ डाकू ने गर्दन काट दिया, तो फिर ये इसकी औरत है ना बाबा को पुकार किया था, तो फिर बाबा ने चमत्कार दिखा के फिर इसको वापस जिंदा किया था। देखिए बहुत चमत्कार है बाबा, एक से बढ़कर एक चमत्कार है, चमत्कारों का खजाना यहाँ पर इस संग्रहालय में बाबा के मंदिर में। बहुत बड़ी बात है उड़ीसा के मंदिर में रुणेचा के नाथ की न सिर्फ मूर्ति है, न सिर्फ तस्वीर है, न सिर्फ श्रद्धा भक्ति है, लेकिन परचों की एक लंबी फेरिस्त है। वो सारी चीजों को कल्पना के रूप में जो चीजें थी उनको बहुत सुंदर रूप से चित्रांकन करके यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये ओडिशा यानी कटक और भुवनेश्वर के बीच ये जो नेशनल हाईवे है यहाँ पर, रामनगर पे बाबा रामदेव, रामनगर के बाबा रामदेव, रुणेचा के नाथ रामनगर के बाबा रामदेव ओडिशा की धरती से। तो व्यूअर्स सुनिएगा देखिएगा, चमत्कार को नमस्कार और चमत्कार को नमस्कार है। अगर रुणेचा नहीं जा पा रहे हैं कोई बात नहीं, वो हेड ऑफिस है, ये ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस में आ जाइएगा, हाजिरी यहाँ लगा दीजिएगा, बाबा वहां से आपकी हाजिरी को कबूल कर लेगा। तो बहुत बहुत आभार यहाँ सब लोग महिपाल जी के साथ, पुजारी जी के साथ। भाई साहब आपका नाम काफी बोल बता रहे थे आपको। मेरा नाम शिव रतन है, शिव रतन जी, गांव सरोटिया के हैं, चूरू जिले से। भाई साहब आप अशोक जी, आप भाई साहब सीताराम शर्मा बीकानेर से, और आप तो सबसे पुराने आप उड़ीसा से हैं, लेकिन मंदिर के सबसे जब से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तब से लेकर के आज तक, जैसे महिपाल जी कहते हैं कि हमारे जनरल मैनेजर हैं उड़ीसा से। देखिए उड़ीसा का व्यक्ति राजस्थान के बाबा रामदेव को किस रूप में जानता है ये बहुत बड़ी बात है, हम इनको सलाम करते हैं। और आप भी उड़ीसा से हैं लेकिन बाबा की भक्ति में आप रमे हुए हैं, ये है बाबा का असली चमत्कार। ये अभी का चमत्कार आप ये देखिए कि राजस्थान के तो खैर मानेंगे ही, लेकिन उड़ीसा के लोग बाबा के चमत्कारों को इतना जानते हैं, इतना मानते हैं, ये आज का ये मैं कहूंगा इस दौर का बाबा का ये चमत्कार है। बहुत बहुत आभार आप सब।